हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। टू आइडेंटिकल ग्लास इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ एफ ईच आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट। द स्पेस बिटवीन द टू लेंसेज इज फिल्ड विथ वाटर। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ओके। सो अगर ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसका फोकल लेंथ मैं कुछ देर के लिए एफ मान लूं, तो क्या मैं लिख सकता हूँ? क्वेश्चन में गिवन है एफ। हाँ, क्वेश्चन में गिवन है एफ। तो एफ इज इक्वल टू लेंस में का फॉर्मूला होता है म्यू माइनस ऑफ वन इंटू वन बाय आर वन माइनस ऑफ वन बाय आर टू। यहाँ पे दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सर्फेस का सेम है। सो क्या मैं लिख सकता हूं, वन बाय एफ इज इक्वल टू थ्री बाय टू माइनस ऑफ वन इंटू टू बाय आर विच इज इक्वल टू वन बाय आर। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे पानी भर दू, कहां पे? इन दोनों कॉन्वेक्स लेंसेज के बीच में, ये वाला हिस्सा जो शेड कर रखा है, तो क्या मैं लिखूंगा, वन बाय एफ डैश इज इक्वल टू फोर बाय थ्री माइनस ऑफ वन इंटू माइनस ऑफ टू बाय आर। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस ऑफ टू बाय थ्री इंटू वन बाय आर, और वन बाय आर को मैं क्या लिख सकता हूं, वन बाय एफ टू बाय थ्री एफ। ठीक है, अब कोई मुझसे पूछे कि फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन क्या है, तो मैं कहूंगा फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन होगा वन बाय एफ जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, वन बाय एफ डैश जो कि कॉनकेव लेंस जिसके अंदर पानी भरा हुआ है वो है, और वापस से वन बाय एफ जो कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए है। तो अगर हम लिखना चाहें तो टू बाय एफ माइनस टू बाय थ्री एफ। ऊपर नीचे थ्री थ्री मल्टीप्लाई कर ले यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा, थ्री टू जो सिक्स, सिक्स माइनस ऑफ टू इज फोर अपॉन थ्री एफ, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन हो जाएगा मेरे पास 3f by 4, और यही मेरा फाइनल आंसर होगा। ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, एंड ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ऑल द बेस्ट।